तो आइए आज हम आपको बताएंगे टायर के बारे में, के नंबर टायर आता है ट्रक में, उसके बाद बताएंगे हवा कितना रहता है। तो चलिए, हमारे चैनल में बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हमारे गाड़ी में कितना नंबर टायर है। आप देख सकते हैं, भेरी से आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं भाई, ये 1020 टायर है। तो हमारे टायर में ये सादा टायर है, ये रेडियल टायर नहीं है, सादा टायर है। ये टायर आता है फ्रेंड, जैसे अंडर लोड हम माल ढो सकते हैं इस पर, अंडर लोड जैसे गाड़ी का पासिंग है 15 टन ढोने का, तो हम इस पर मानिए कि अब 50 टन नहीं लोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कितना हवा आता है वो भी बताते हैं आपको। सादा टायर कोई भी हो, उसमें 160-170 मानिए कि चलता है, अंडर लोड के लिए उतना हवा चलता है। उसके बाद सब में यही सादे टायर आता है, अंडर लोड के लिए सादा टायर है। और उसके बाद जैसे हम ओवर लोड में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हम हवा रखेंगे फ्रेंड कम से कम 200, उस पर माल ताकि हम ढो सकें 100 टन 80 टन 90 टन। उसके बाद ओवरलोड का टायर हो गया, वो रेडियल टायर होता है दोस्त, नंबर इतना ही रहेगा, वो भी 1020 नंबर रहेगा, ये भी 1020 नंबर रहेगा। पर्सनल बात ये है कि जैसे ये हो गया सादा टायर और हो गया रेडियल टायर, वो रेडियल टायर सादा टायर में फ़र्क इतना ही होता है दोस्त कि जैसे हम सादा टायर पे गाड़ी चला रहे हैं तो सादा टायर का मतलब हो जाता है कि जैसे कट लग जाए, कितना भी कट लग जाए, वो गेटर पेच कुछ भी चिपी चपी मैंने कुछ भी साट के चल सकता है। और रेडियल टायर का दोस्त मतलब हो गया कि जैसे उसमें एक कट लग जाए तो मानिए कि जैसे किसी का ज़्यादा पेट फट गया हो वैसा हो जाता है, वो उसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादा कट लग जाता है, ज़्यादा कट लग जाएगा तो वो नहीं चलेगा। इसमें यही बात है कि कितना भी कट लग जाए, जैसे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना भी कट लगा है, ये सब सादा टायर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अंडर लोड के लिए है और ओवर लोड के लिए है रेडियल टायर। और उसमें है कि दोस्त हवा आप ले सकते हैं, इसमें है कि ज़्यादा हवा लेने पे उड़ने का डर रहता है। उसके बाद इसमें है कि ज़्यादा गिटी लगता है, जैसे हम बारिश में गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पंचर होने का संभावना रहता है, उसमें थोड़ा कम रहता है संभावना पंचर होने का, ये भी बात रहता है। रेडियल टायर का मतलब हो गया कि ओवरलोड में कितना भी चलिएगा वो बहुत बर्दाश्त करके चलता है टायर, वो ओवरलोड का टायरे है, ज़्यादा उस पर रनिंग भी कर सकते हैं। सादा टायर है जो भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उड़ भी सकता है, रेडियल नहीं उड़ सकता है।